नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वक्त हो गया है खबरों का। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, वो भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, लेकिन लोग उन्हें काटते समय ये बातें भूल जाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आपने कोई पेड़ काटा और उससे इंसानों की तरह ही लाल रंग का खून निकलने लगे तो यकीनन आप ऐसा नजारा देख कर डर जाएंगे, क्योंकि इसकी उम्मीद आपने कभी नहीं की होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे काटने पर इंसानों की तरह ही खून निकलता है। ज्यादातर लोग तो इस पेड़ के बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन जो जानते हैं वो इसे जादुई मानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले इस बेहद ही खास और अनोखे पेड़ को लोग ब्लड ओट ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कियात, मुकवा, मुनिंगा। इसका वैज्ञानिक नाम सरोकार्पस एंग्लोनेसिस है। यह अनोखा पेड़ मोजाम्बिक, नाबिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड वुड ट्री को सिर्फ काटने पर ही खून निकलता है, इसकी अगर डाली भी टूट जाए तो भी उस जगह से खून निकलने लगता है। असल में यह गहरे लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है जो देखने में बिल्कुल खून जैसा हो। इस अनोखे पेड़ की लंबाई 12 से 18 मीटर तक होती है। पेड़ के ऊपर पत्तों और टहनियों का आकार इस तरीके से बना होता है जैसे वहां कोई छतरी लगी हो। इसके पत्ते काफी घने होते हैं और इस पर पीले रंग के फूल भी खिलते हैं। इसकी लकड़ी से काफी महंगे महंगे फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी का खासियत यह है कि वो आसानी से मुड़ जाती है और ज्यादातर सिकुड़ती भी नहीं है। लोग इसे जादुई पेड़ भी मानते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में भी किया जाता है। यह इंसानों के खून संबंधित बीमारियों को ठीक कर भी देता है। इसमें दाल से लेकर आंखों की परेशानी, पेट की समस्या, मलेरिया और गंभीर चोट को भी ठीक करने की ताकत है, इसीलिए इसे जादुई पेड़ भी कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की देश और दुनिया की खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए जब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।